हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी प्याज का पराठा। तो दोस्तों, बारिश में प्याज का पराठा तो बनाना बनता है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ना हम इसका डो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी भर के गेहूँ का आटा। तो आटे को हम थाली में डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और डाल देंगे साथ ही में थोड़ा सा नमक। नमक डालने से दोस्तों क्या होता है ना, पराठा खाने में फीका नहीं लगता है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अजवाइन और नमक को मैंने डाल दिया है। अब इसे ना आटे में मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो दोस्तों, तेल डालने से ना पराठा बहुत सॉफ्ट बनता है। तो अब हम इसे वापस मिक्स करेंगे आटे को। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टफिंग वाला जो भी चीज़ बनाए ना, उसके लिए डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तभी पराठा अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने डो को रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा देंगे और ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट। जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक हम प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो प्याज को हमें ना यहाँ पे बहुत बारीक काटना है। तो आप जितना ही बारीक प्याज काटेंगे ना, उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। अगर बड़ा प्याज काटोगे तो पराठा बेलते समय ना फट जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने छोटा छोटा प्याज को कट कर लिया है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको और तीखा खाना है तो मिर्च बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे ना तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसके लिए मैंने दो ही मिर्ची डाली है। अब हम प्याज को ना एक प्लेट में उठा लेंगे और इसमें हम नमक मिलाएंगे प्याज में। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसे हम 15 से 20 मिनट तक रख देंगे ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गया है दोस्तों। अब हम ना यहाँ कपड़ा रखेंगे एक और इसके ऊपर डालेंगे प्याज। तो प्याज को इस तरह से हम दबाते हुए इसका पानी निचोड़ लेंगे।
तो प्याज में से ना पानी इस तरह से निकालना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो पराठा आपका स्टफिंग गीला हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो प्याज में से कितना पानी निकला हुआ है। अब हम प्याज को ना दूसरे थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम प्याज में मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, मरीच पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ अदरक, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पराठे के लिए स्टफिंग बनकर रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैंने नमक नहीं मिलाया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्याज के साथ नमक मिला दिया था। तो यहाँ पे आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे ना इस तरह से वापस गूंथ लेंगे। तो दोस्तों चलो अब हम बनाते हैं पराठा। तो आटे में से अब बड़ी सी लोई लेंगे और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे इस तरह से कटोरी के शेप में बना लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे स्टफिंग और स्टफिंग डालने के बाद ना इस तरह से हाथ से दबाते हुए अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। अब हम पराठे को इस तरह से पहले प्रेस करेंगे ताकि स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए, फिर हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो दोस्तों प्याज का पराठा ना बहुत टेस्टी लगता है, इसे चाहे लंच में खाओ चाहे डिनर में खाओ, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में।
तो यहाँ पे पराठे को मैंने बेल लिया है, तवे को पहले से रख दिया था गरम होने के लिए, तो तवा भी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पराठा। तो अब हम पराठे को ना दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक तेल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यम्मी यम्मी पराठा बनकर प्याज का रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे दोस्त।